मेरे सारे नियोजित शिक्षक साथियों, सभी को नमस्कार। आज एग्जाम था अनियोजित शिक्षक का, जो कि सक्षमता परीक्षा था, और बहुत सारे नियोजित शिक्षक एग्जाम देने गए थे और बहुत सारे नहीं देने गए थे। तो क्या जो नहीं देने गए वो गधा है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो नहीं देने गए वो गधा है, और जो देने गए एग्जाम वो लोग बहुत अपने आप को टैलेंटेड मान रहे हैं? क्या आप लोग का एग्जाम पहले नहीं हुए थे? क्या आप लोग को ऐसे ही रख लिए गए थे? अगर ऑलरेडी पहले एग्जाम लेकर रखा गया था तो फिर एग्जाम लेने का क्या जरूरत था? और मोस्ट ऑफ द टीचर ट्राइंग टू फेस दिस एग्जामिनेशन, भाई आप विदाउट दिस एग्जामिनेशन यू आर नॉट एबल टू टीच, तो आप लोग एग्जामिनेशन क्यों दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो फिर देने के बाद ये बात क्यों बोलते हैं कि क्वेश्चन बहुत टफ आ रहे हैं, ये चाल है टीचर को हटाने का? विदाउट दिस एग्जामिनेशन यू आर नॉट एबल, और आफ्टर दिस यू कैन प्रूव आई एम अ टैलेंटेड टीचर, तो ये करने का क्या जरूरत है? और अभी आप लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, जो टीचर एग्जाम देने गए थे, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं एग्जाम देने गए, अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो है चाल है सरकार का, के पाठक का चाल है कि हम लोग को बाहर निकाला जाए। अब मुझे ये बताएं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग के लिए, जो लड़ रहे हैं इसी में, आप जब तक एकता नहीं रहेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा आप लोग का। आप ही लोग में से 70% जो आदमी है वो रजिस्ट्रेशन किए हैं, जितने नियोजित शिक्षक हैं। अगर आप कोर्ट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो पहला प्रूफ कोर्ट को मिलता है 70%, इतने लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं। क्यों, क्या लग रहा है एग्जाम देने के बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर से अलग से सेलेक्ट किए जाएंगे? अगर एग्जाम लिया जा रहा है तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं कितना टफ क्वेश्चन है, ये सरकार का चाल है हम लोग को हटाने का? इसका मतलब तो यही बात हुआ, साबित करना पड़ेगा आप लोग को। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोग का ही गलती है, और ये आप लोग ही गलती कर रहे हैं। अब बोला जाएगा कि जो 80 साल के बुजुर्ग हैं उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप बेटा पैदा कर सकते हैं या नहीं, अगर कर सकते हैं तो करके दिखाएं। यानी कि जो टीचर अब लास्ट स्टेज में है उनको भी एग्जाम देकर पास करना होगा, अगर नहीं पास करेंगे तो उनको टीचर से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैं ये मानता हूं कि आप उनको राजकर्मी का दर्जा ना दें अगर नहीं पास करते हैं तो, पर उनको हटा देना ये कहां तक सही है? क्या जिस टाइम आप एग्जाम ले रहे थे उस टाइम आपका चैलेंज नहीं था, आपका नोटिफिकेशन नहीं आया था? इस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हुए आप उनका भर्ती लिए हैं, और आज आप बोल रहे हैं कि आपको एग्जाम देना होगा? अगर आज हम के पाठक जी को बोले कि आप एग्जाम दें, आप यूपीएससी के एग्जाम में फिर से बैठे, क्या क्वालिफाई कर जाएंगे? आप यूपीएससी निकाल लेंगे? अगर निकाल लेंगे तो फिर वो हम लोग भी देंगे, तो उनके लिए नहीं है पर हम लोग के लिए, तो ये कहां तक न्याय है आप लोग भी जानते हैं। और आज एग्जाम हो रहे हैं, 10 तारीख तक सारे के रिजल्ट आ जाएंगे, 14 तारीख तक सभी को अपने डिस्ट्रिक्ट में स्कूल मिल जाएंगे, एक कहां तक का सपना दिखाए जा रहे हैं? जितने भी टीचर सामने निकल कर आ रहे हैं आज एग्जाम देकर, जितने भी टीचर बाहर आए हैं बोल रहे हैं बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो फॉर्म कौन, आपको जो फॉर्म है कौन भरने बोला? नहीं भरना चाहिए था, आप तो गद्दार निकले कि जो साथ में आपके साथ लड़ रहे हैं आप उनको छोड़कर अपना तेजी दिखाने के लिए एग्जाम देने गए। अगर एग्जाम देने गए तो फिर ये बात बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें अब आप लोग ही अपने हाथ से हटाना चाहते हैं, हाथ से निकालना चाहते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात ही नहीं है कि हम लोग को एग्जाम देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। आप लोग खुद अपने से पूछ लें, खुद से पूछें कि आप लोग जिस टाइम गए थे उस टाइम आपका एग्जाम नहीं हुआ था, ऐसे ही ले लिए गए थे, लिए गए थे एग्जाम, तो उस टाइम उनका सिस्टम खराब था और आज उनका सिस्टम सही हो गया। 5 बार एग्जाम देना पड़ेगा और नहीं पास करिएगा तो हटा दिए जाएंगे, और आज इनका एग्जाम हुआ, एग्जाम होते रहेंगे, एग्जाम दिए भी जा रहे हैं। जो टीचर आज तक मोबाइल नहीं चलाना जानते हैं, जो आज तक पहली बार कंप्यूटर पर बैठ रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम लिए जा रहे हैं और वो एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोग से एक सपोर्ट मांगना चाहता हूं। अगर सच में चाहते हैं कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा मिले, अगर राजकर्मी का दर्जा ना मिले तो उनको ऑलरेडी रखा जाए, जिनको जिनको मन है राजकर्मी का दर्जा लेने का वो एग्जाम दें, जिनको मन नहीं है उनको ऑलरेडी नौकरी में रखा जाए, उनको भी ना हटाया जाए, ये होना चाहिए था। क्योंकि उस टाइम भी टीचर लोग पास करके आए थे, एग्जाम निकाल कर आए थे, और आज उनको, आज उनसे बीपीएससी का क्वेश्चन पूछेगा, पूछे जा रहे हैं कि बीपीएससी जो 3.1, 3.2 हुए थे उससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो सकते हैं? आप नहीं चाहते हैं कि क्वालिफाई करें टीचर रहे, 80 साल में उनको प्रूफ करने के लिए आप बोल रहे हैं कि आप टीचर के लायक हैं या नहीं? यही उल्टा सवाल आपसे कर लिया जाए, अगर यही उल्टा सवाल आपसे पूछ दिया जाए, वही उल्टा एग्जाम आपसे ले लिया जाए, तो क्लियर समझ में आ जाएंगे क्या होते हैं।
मैं चैलेंज करता हूं के पाठक जी आपको, आप बैठे सामने, आप यूपीएससी का एग्जाम फिर से दें, अगर निकाल लेंगे तब वो सारे टीचर का भी एग्जाम लीजिएगा। तो इसके लिए आप लोग को सपोर्ट करना होगा, सामने आना होगा, और जितने भी मेरे साथी हैं, जितने नियोजित शिक्षक हैं, सर लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें, और एकता होकर लाना पड़ेगा, सपोर्ट करना होगा, इसके बाद ही कुछ आगे हो पाएंगे, ठीक है। और जो गद्दार निकल रहे हैं, जो जा रहे हैं, वो पछताएंगे, उनके पास कोई भी चारा नहीं है पछताने के अलावा। तो जितने भी हैं नियोजित शिक्षक, सारे लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग साथ सारा चीज़ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।